लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में पेंशनर्स के सम्मेलन से खिताब किया। मनोज सिन्हा ने कहा पेंशन के रिन्यूअल में कुछ दुश्वारी थी लेकिन वो दूर हो गई है। सिन्हा ने कहा कि मैं मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, अब 77,000 लोगों को इस तरह की पेंशन मिल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेंशन को 200 रुपये महाना से बढ़ाकर 1,000 रुपये महाना कर दिया था। जम्मू कश्मीर में बेवा पेंशन में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। मुल्क के दीगर हिस्सों में उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई है। तमाम अहले अफराद को कवायद के मुताबिक पेंशन दी जाएगी। रिन्यूअल ऑनलाइन बगैर किसी तकलीफ के हो सकती है। कोई भी अहलकार दबाव में आकर किसी शख्स का साथ न दे। स्कीमों को बिला ताखिर मुस्तकीन तक पहुंचाना चाहिए। सिन्हा ने कहा कि माजी में इस्तिफादा कुनंदगान की तमाम तादाद कम थी लेकिन उन्होंने इसे तब्दील किया और दीगर को भी शामिल किया। उन्होंने बेवाओं और जिस्मानी तौर माजूर अफराद से खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने की अपील की। पर वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑनलाइन दस्तियाब है और इससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। गरीब खानदानों की लड़कियों को शादी के लिए फंड्स फराहम करके उनकी मदद की जा रही है। आप अगर पहल करेंगे तो आप रोजगार के साधन और भी आपको मिल सकते हैं। बैक टू विलेज का कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है। आप जिस पंचायत में रहते हैं स्वरोजगार की योजनाओं से जुड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो विधवा बहनें उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पेंशन आप पा रहे हैं ठीक है लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके और भी रोजगार आप कर सकती हैं। जो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है मैं समझता हूं उसके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में अपनी अपनी पंचायत में माई टाउन माई प्राइड भी होगा, तो शहर में अगर रहते हैं तो अपने वार्ड में जुड़ करके हमारी जो बहनें हैं वो एनएल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो स्वरोजगार के लिए आगे आएं और जम्मू कश्मीर समाज के वंचित वर्ग के नागरिकों को मैं समझता हूं कि संसाधन आपको प्राथमिकता के आधार पर मिले ये हर कोशिश की गई है। और एक अपनापन का भाव, क्योंकि नीति और नियत के केंद्र में जब नागरिक होता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन संवेदनशील होता है। मैं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि ये जो बदलाव है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेगा और इसलिए प्रशासन के प्रयासों का समर्थन जनता करे ये बड़ा आवश्यक है। आपको लगता है कि अगर प्रयास में कहीं कमी है आप जरूर बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, तभी विकास की रफ्तार को हम और गति दे सकते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय के अनुसार इंटरवेंशन किए गए हैं। प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए ये इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है। ये पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में स्वीकृत किया जाता था, एक बड़ी आबादी को असुविधा थी और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को यह अवसर दिया है कि घर बैठे उनको पेंशन मिल रही है। जम्मू जिले में कुल 63,919 लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, 10,584 लोगों को विधवा पेंशन दी जा रही है और 8,128 ये दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है।